Hello class 9, welcome to our channel, and we all are doing economics chapter number 1, the story of village Palampur. And in this video we are continuing the Palampur part where we have completed the first factor, that is your land. So we have already completed about the land, that how the land production, crop production basically, कैसे उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द एडवांटेजेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स बोथ हैव कवर्ड. ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू मूव आवर सेकंड फैक्टर, एंड सेकंड फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस, सो दिस इज आवर लेबर. ओके, फर्स्ट फैक्टर वी हैव कवर्ड, second factor is labor, and still we are doing Palampur, we are discussing about the Palampur labors. Okay, so here you can see the first picture 1.5, that Palampur village, and what is conveying, what the picture is basically conveying here, the distribution of cultivated land. Distribution means is tarike se land ko distribute kiya gaya. ओके, सो क्या कुछ समझ में आ रहा हो? सो यू कैन सी कि आप देख सकते हैं ये वाला जो लैंड वाला एरिया है, आप इस पॉइंटर से आप देखने की थोड़ा सा कोशिश करो. दिस इज द पोर्शन जहाँ पर कितने लोग की लैंड है, यू कैन काउंट 1, 2, 3, 4. सो 4, 8, 12, 16, 20 लोगों का एरिया है. दिस एरिया इज 20 पीपल, जिसमें 20 फार्मर्स और वी कैन सी 20 फैमिलीज का ये लैंड है. एंड सेम उतना ही जितना स्पेस उनका है, जितनी स्पेस जगह उनकी है, सेम इतना ही लैंड किसी एक फार्मर का या फिर किसी एक फैमिली का है. सो यू कैन सी द डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही अनइवन वे में हुआ होगा. यस, सो बिग प्लॉट्स अगर काउंट कर लो, फर्स्ट वन इज दिस, ओके सेकेंड, ओके 3, now 4, 5, 6, 7, 8. अब ये 8 जो आपके प्लॉट्स हैं, फील्ड्स हैं, ये सिर्फ 8 फैमिलीज के पास है. और आप देख सकते हो कि 50% से ज़्यादा लैंड उन लोगों ने यूज़ किया, यानी जो ज़्यादा लैंड है वो लेस नंबर ऑफ फैमिलीज के पास है, और जो ज़्यादा फैमिलीज हैं उनके पास लैंड बहुत कम है. दे आर टोटली डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स. तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन सी द पिक्चर इज वेरी वेरी कन्वेइंग कि हमें समझ में आ जाना चाहिए कि पालमपुर का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड है, कल्टीवेटेड मीन्स जिसके ऊपर आप क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो वाले लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज टोटली अनइवन, बिल्कुल बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है. किसी के पास बहुत ज़्यादा, किसी के पास बहुत कम है. एंड बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो लैंड लेस लेबर्स हैं, जिनके पास बिल्कुल भी लैंड, जमीन नहीं है. नाउ द थिंग इज कि आप जितने छोटे छोटे प्लॉट्स यू कैन सी आप देख पा रहे हो, इन छोटे छोटे प्लॉट्स के ऊपर अगर फार्मिंग की जा रही है, कल्टीवेशन की जा रही है, सो इज दिस एनफ फॉर देयर फैमिलीज? नो. तो अब वो क्या करेंगे, ये लोग तो शायद अपना थोड़ा सा लाइवलीहुड चला लेंगे यहाँ से, लेकिन वो भी बहुत सारी फैमिलीज हैं जहाँ पर लैंड नहीं है. अब वो लोग कहाँ पर अपना लेबर, वो एज अ लेबर परफॉर्म करते हैं, कौन से प्लॉट्स में जाएंगे? इन्हीं प्लॉट्स में जाएंगे जो प्लॉट्स बहुत बड़े हैं और किसी सिंगल सिंगल फैमिली या फार्मर्स के हैं. अब इन प्लॉट्स में जाया जाएगा और एज अ लेबरर्स वहाँ पर वर्क किया जाएगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कि हमें देखना है कि लेबर्स कैसे हैं. सो हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर? सो ऑलरेडी हमने देख लिया कि लैंड बहुत ज़्यादा अनइवन डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है. हाँ, एंड हमने ये भी देख लिया था कि पालमपुर में जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है वो फार्मिंग ही कर रहे हैं. ठीक है, तो अब इसमें से बात ये आती है कि कौन से लोगों के पास आपके फार्मर्स लैंड है और कौन से के पास नहीं है. सो यहाँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में मेंशन है बच्चा, इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस. 450 लैंडलेस है जिनके पास जमीन नहीं है, एंड 150 फैमिलीज, दैट इज 150 फैमिलीज, एंड मोस्ट ऑफ देम दलित, हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन.
तो आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लैंडलेस बैठे हैं, अब ये लोग क्या करेंगे, ये कहीं तो जाके अपना उनको लाइवलीहुड चाहिए, इसके लिए वो फार्मिंग करेंगे। कहाँ जाके फार्मिंग करेंगे? उन्हीं फार्मर्स के पास जिनके पास प्लॉट्स बड़े हैं। ओके, एंड जो कुछ फैमिलीज हैं, हम देखेंगे कि उनके पास छोटे 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 प्लॉट्स हैं और वो उसी प्लॉट्स पे अपना काम चला रहे हैं, तो वो छोटे प्लॉट से काम चलाया जाता है उनका, लेकिन दिस इज नॉट एनफ कि वो उसमें ही काम चल जाए, उनका कंप्लीट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं, यहाँ पर देख लीजिए, देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टीवेट लैंड मोर देन 2 hectares ऑफ लैंड, तो 2 hectares से भी ज्यादा है। हेक्टेयर आपको याद होगा, यूनिट पढ़ी थी हमने, मेजरिंग यूनिट ऑफ लैंड, तो 60 फैमिली सिर्फ ऐसी हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि 150 या 450 फैमिली के पास बहुत ज्यादा लैंड है, 60 फैमिली लैंडलेस है, नो, ओनली 60 फैमिली हैव मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स का मतलब है लार्ज फार्मर्स जो होंगे वो तो हायर करेंगे लेबर्स को, मीडियम फार्मर्स में खुद भी हो सकते हैं और हायर भी किया जा सकता है। तो इस तरह से लैंड आप देखो अनइवन, टोटली अनइवन, अ व्यू ऑफ लार्ज है, और कुछ फार्मर्स ऐसे जिनके पास 10 hectares से भी ज्यादा है, तो इट इज टोटली अनइवन, लाइक हैव एंड हैव नॉट वाला कंडीशन है कि किसी के पास तो बहुत कुछ है, किसी के पास नहीं है, देयर आर नो, आपको इक्वल लोग नहीं दिख रहे, आपको इक्वालिटी यहाँ नहीं नजर आ रही, तो लैंड इज टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली इन द बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। ओके, नाउ यू कैन सी वन मोर पिक्चर इज गिवन हियर, लाइक फील्ड एक्टिविटीज दी हुई है, बेसिकली कि हम फील्ड पे क्या क्या फार्मर्स का क्या स्टेप बाय स्टेप दे आर परफॉर्मिंग, लाइक सम प्लोइंग बाय बुलॉक्स, यू कैन सी सोइंग द सीड्स, सोइंग द स्प्रेज, एंड स्प्रेज किए जा रहे हैं इंसेक्टिसाइड्स के, कल्टिवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड, सो दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड, आप देख लीजिए ट्रेडिशनल मेथड है। अब यहाँ पर सारा जो है ये आपका ये मॉडर्न मेथड से काम किया जा रहा है, क्रॉप्स को कट किया जा रहा है, यहाँ पर देखो खुद लगाया जा रहा है सीड्स को, है ना, दिस इज द मॉडर्न आपका ट्रेडिशनल मेथड, पर ट्रैक्टर्स आ गए हैं, अब यहाँ पर स्प्रे किया जा रहा है, सो दिस इज योर मॉडर्न मेथड। सो ये डिफरेंस दिया हुआ है कुछ कि कुछ पिक्चर्स कन्वेइंग अबाउट द ट्रेडिशनल एंड सम आर कन्वेइंग लाइक मॉडर्न मेथड्स। सो अगेन मॉडर्न मेथड्स की हम अगर बात करते हैं तो हमें एकदम से याद आ जाना चाहिए ग्रीन रिवॉल्यूशन, जहाँ पर आपके HYV सीड्स वर यूज्ड दैट टाइम, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स से पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड मोर वाटर, बहुत ज़्यादा चाहिए था, बट उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके सामने था, डिग्रेडेशन, आपका वाटर लेवल भी कम हुआ एंड सॉइल जो थी उसका भी फर्टिलिटी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हम करते जा रहे थे। ओके, सो हियर वन मोर ग्राफ इज प्रेजेंट हियर, कल्टिवेटेड एरिया है ये, जिसमें से 55% आप देखो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं, और इसका 44.6 में से 85 अगर हम उसका छोटा सा अगर हम बड़ा ग्राफ बनाएं, ये छोटे वाले एरिया का, ये जो आप छोटा एरिया देख रहे हो इसका ये बड़ा ग्राफ है, और इस बड़े ग्राफ में से भी 85 लोग ऐसे हैं जो आपके मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स में आते हैं, एंड 50 तो बहुत ही कम परसेंटेज है, है ना। यही क्लियर किया जा रहा है बेसिकली कि लैंड इज अनइवन, लेस देन 2 hectare वाले लोग हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर मोर देन 2 hectare वाले लोग हैं, यहाँ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं, यहाँ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो कि पालमपुर विलेज में हमने देखा। ओके, सो नाउ द पॉइंट इज कि अब तो हम देख लिया कि फार्मर्स ऐसे ज्यादा हैं जिनको काम की जरूरत है, सो हु विल प्रोवाइड द लेबर हियर, तो लैंड के बाद बारी आ जाती है, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। सो फार्मर्स के अंदर, फार्मिंग के अंदर हमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए, बहुत सारे हमारे ऐसे काम हैं 9th standard जहाँ पर मशीन जो है वर्क करती है, तो हमें लेबर्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती, बट फार्मिंग इज वन ऑफ द हम ऑक्यूपेशन बात कर सकते हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है हार्ड वर्क की। तो स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो तो अकेले फार्मिंग नहीं करते, उनकी पूरी पूरी फैमिलीज एंगेज होती हैं और वो उनकी फैमिलीज पूरे सीजन में साथ में काम करते हैं। अगर हम मीडियम फार्मर्स की बात करें और लार्ज फार्मर्स की बात करें, सो दीज टाइप्स ऑफ फार्मर्स हायर लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स, तो स्मॉल फार्मर्स डू
own with their families, and medium and large farmers hire farm laborers to work on their fields. And ये कौन से farm laborers हैं जो landless लोग हैं, ठीक है? And farm laborers, now the point is farm laborers आते कहाँ से हैं? ये वही लोग हैं, उन्हीं की families हैं जिनके पास land नहीं है, okay? और उन लोगों के पास land नहीं होती, वो लोग क्या करते हैं? काम करते हैं उसपे, और उनको वहां पर उनको सिर्फ पेड वेजेस पे काम किया जाता है। पेड वेजेस का मतलब है कि क्रॉप से उनको कोई मतलब नहीं है, वो काम करेंगे और उनको पर डे के अकॉर्डिंग या फिर पूरा एक सिस्टम भी ऐसा बना लेते हैं कि आपको पूरे सीजन ग्रो करना है और हम आपको टोटल मनी ये देंगे, ऐसा भी होता है। तो इस तरह से काम किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड, या फिर क्रॉप्स भी, कुछ परसेंटेज भी क्रॉप्स की शेयर कर दी जाती है कि आपकी इतनी परसेंट आपकी होगी बाकी हमारी होगी। एंड उनको मील्स वगैरह भी मिलता है रोज का खाने के लिए। एंड वेजेस वर वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, वेजेस मींस जो उनको रेगुलर वेज काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है जो उनको रेगुलर बेसिस पे, वो डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में काम कर रहे हैं। उस रीजन में काम कर रहे हैं जहाँ पर लेबर बहुत ज्यादा है, काम बहुत कम है, तो डेफिनेटली आपका वेज का अमाउंट भी बहुत कम होगा। लेकिन जहां पर काम बहुत ज्यादा है और लेबर लिमिटेड है, वहां पर आपकी रेंज बढ़ जाएगी, वेज बढ़ जाएगी। एंड अगेन डिपेंड ऑन क्रॉप टू क्रॉप, कुछ क्रॉप्स में बहुत मेहनत लगती है ना, सोइंग के टाइम पे ज्यादातर हायर किए जाते हैं, जिस टाइम पे बीज को मिट्टी में बोना होता है, सो करना होता है। एंड सेकेंड हार्वेस्टिंग, कटिंग के टाइम पे बहुत काम होता है, दीज टू टाइम जहाँ पर लेबर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? और बाकी टाइम वो लोग फ्री होते हैं, उनके पास इतना कुछ खास काम नहीं होता, एंड दे आर एम्प्लॉयड ऑन डेली वेजेस बेसिकली। तो डेली वेजेस पे करते हैं, या फिर मैंने आपको जैसे बताया कि पूरे सीजन का उनको काम दे दिया जाता है और उसका फिर पूरा एक अप्रॉक्सीमेटली लमसम अमाउंट दे दिया जाता है कि आपको इतना दिया जाएगा। सो ये सब स्टाइल में, इस तरीके से फार्मर जो है बहुत डिफिकल्टी से अपनी लाइफ को चलाते हैं। एंड हियर वन कॉन्वर्सेशन इज गिवन इन योर बुक दादा एंड राम करी। एंड ये बहुत पुअरेस्ट नेटिव्स हैं, इसी विलेज के लोग हैं, एंड दे जस्ट गॉन थ्रू विद देयर प्रॉब्लम्स, की क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। तो डाला एंड राम करी यहाँ पर आपको विजिबल हैं। सो डाला वो वही बात कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो रहा है काम ढूंढना, और अगर काम मिल भी रहा है तो वो इतना दूर मिल रहा है, ठीक है? एंड इवन सो यहाँ पर रामकली वन मोर प्रॉब्लम के सामने है, वो कहती है कि फार्मर्स हमारे पास काम अब और कम हो गया है, लास्ट ईयर से मैंने काम कम किया। वाई, क्यों कम किया? कहते हैं कि अब लोगों की जरूरत नहीं है, वहां पर मशीन्स आ गई हैं। हाँ, उन्होंने हार्वेस्टर्स यूज करने शुरू कर दिए, कंबाइनर्स यूज करने शुरू कर दिए, तो टेक्नोलॉजी आती जा रही है, वहां पर ह्यूमन बींग्स की जगह खत्म होती जा रही है। तो शी इज कंप्लेनिंग अबाउट कि हमें लास्ट ईयर के कंपेरिजन में काम काम मिला है। ओके, सो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि अब तो सब चीजों की मशीन्स हैं, ट्रैक्टर्स, प्लोइंग, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स हैं थ्रेशिंग करने के लिए, इवन वीड्स को रिमूव करने के लिए भी स्प्रे पकड़ा दिए जाते हैं। वो भी नहीं है कि हाथ से डालना है या सिर्फ उसको निकालना है, पहले उसको ऐसे से प्लग किया जाता था, निकाला जाता था एक एक वीड को, बट नाउ स्प्रेज आर अवेलेबल, तो स्प्रे किया जाता है, वीडिसाइड्स है, और वो अपने आप हो जाता है। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की रिक्वायरमेंट, लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है, प्लस जब हमें इस तरह के लोगों की कम जरूरत होगी तो हम अपने वेजेस भी अपने अकॉर्डिंग देंगे, भाई काम करना है करो, नहीं तो मत करो, बिकॉज लेबर बहुत ज्यादा अवेलेबल है और काम इतना अवेलेबल नहीं है, ठीक है? क्योंकि काम की जगह अब मशीन मोस्टली ले चुके हैं। एंड ये कंडीशन है, this is the condition, this is the scenario that we can see in the village, Indian villages में यही condition है 9th class, जो एक conversation के through हमें बताना चाहते हैं। Okay, and one more problem they are just discussing कि local money lender से पैसे लेना, और उसको वो कहता है कि मैंने last time भी कुछ 1000 rupees लिए थे, आपकी बार भी लिए, and he is very tensed, क्योंकि उसको repay करने का कोई भी source नहीं मिल रहा, वो वापस कैसे करेगा उसको नहीं पता, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे पास काम नहीं है। एंड वही आपकी रामकली बोलती है कि मेरे को काम देखना पड़ेगा कुछ ब्रिक मेकिंग में, यानी आपको मैं बता रही हूँ कि फार्मिंग 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 वन ऑफ द मेजर ऑक्यूपेशन इन इंडिया, लेकिन जब लोगों के पास काम नहीं होता, मेजोरिटी लोग खाली बैठते हैं, तो वो कुछ और ढूंढते हैं। एंड शी इज वन ऑफ देम जो कहती है कि मैं ब्रिक मेकिंग में जाके कुछ अपना काम ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज फार्मिंग में उन्हें कुछ काम नजर नहीं आ रहा।
उसने बोला कि मेरी सिचुएशन भी बहुत खराब है, तुम्हें पैसे दे तो दिए गए, मनी लेंडर लोकल पीपल है बच्चा, ये बड़े फार्मर्स हो सकते हैं जो मनी देते हैं स्मॉल फार्मर्स को, लैंडलेस फार्मर्स को, मार्जिनल फार्मर्स को। अब ये रामकली सेंग कि आपकी से भी बेटर, मेरी कंडीशन और खराब है, मुझे तो दिया ही नहीं गया पैसा, रीजन भी क्योंकि मैं पुराना पास्ट डेब्ट, यानी मैंने पुराना उधार लिया था वो मैंने नहीं दिया, रीपे नहीं किया। तो मनी लेंडर रिफ्यूज्ड हर, उसने उसको मना कर दिया कि वो मनी उसको अब आगे से लेन नहीं करेगा, वो नहीं देना चाहता उसको। सो दिस इज द रियलिटी यू कैन सी कि बहुत डिफिकल्ट लाइफ है फार्मर्स की। हम लोग यहाँ पर सिटी एरियाज में बैठ के कुछ भी ऑक्यूपेशन ढूंढ सकते हैं, बट दीज पीपल आर जस्ट लिमिटेड विद देयर रिसोर्सेज, ना उनके पास बहुत ज़्यादा मनी है, ना उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। सो दिस इज द बेसिकली प्रॉब्लम जो ये लोग फेस करते हैं। ओके, सो ये सब कंडीशंस के बाद हमें समझ में आता है कि लेबर्स का मिलना भी, एंड लेबर्स अब वो ये भी बता रहे हैं कि वो लोग काम तो कर रहे हैं, डाला भी काम कर रहा है क्योंकि वो लैंडलेस है और वो डेली वेजेस पे काम कर रहा है। तो उसने बोला कि मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट ने सेट की हुई है वो 300 है, लेकिन उसको 160 मिल रहे हैं। देख रहे हैं आप, अब ये क्यों है? क्योंकि काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, गवर्नमेंट के सेंशन करने के बाद भी उतने पैसे उनको नहीं मिल रहे, तो उनको 160 रुपीज मिला जा रहा है। एंड अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इतनी कंपटीशन है, अगर वो नहीं करेगा 160 में तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, इवन सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, राजी हो जाते हैं। एंड डाला कंप्लेंस अबाउट द सिचुएशन टू रामकली, जो कि मतलब दे आर जस्ट डिस्कसिंग कि सीरियसली सच ह्यूज प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग, चाहे वो आपके वर्क को सर्च करने से रिगार्डिंग हो, काम को ढूंढने से रिलेटेड हो, या फिर उनको इस चीज की टेंशन हो कि हमने नेक्स्ट सीजन में अगर मनी लेना है तो कितना लेना है, लोन को रीपे करने की। दीज आर द प्रॉब्लम्स दोज द फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स वी कैन से, और द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स फेसिंग इन इंडियन विलेजेस, एंड दे आर ऑल्सो फेसिंग इन द पालमपुर विलेज। सो 9th क्लास, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास। Next video we will make for next topic. Okay, thank you, and if you like the video, please share and subscribe my channel. Thank you so much.